हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय किसान संघ ग्राम इकाई के अध्यक्ष बने मालाराम प्रजापत। भारतीय किसान संघ रेवदर के अध्यक्ष गणपत सिंह देवड़ा डागराली के अध्यक्षता में ग्राम पंचायत नागाणी में भी भारतीय किसान संघ की ग्राम इकाई का गठन किया। गणपत सिंह देवड़ा ने बताया है कि नागाणी किसान इकाई के अध्यक्ष मालाराम प्रजापत को सभी की सहमति से अध्यक्ष बनाया। वहीं उपाध्यक्ष बाबाराम निवासी, मंत्री मोहन लाल सेन, सहमंत्री महेंद्र कुमार सोनी, युवा प्रमुख लाल सिंह परमार, जैविक प्रमुख रगाराम घाची और सदस्य के रूप में कांतिलाल लुहार, उगराम चौधरी, ओटाराम घाची, देवाराम चौधरी, हंसाराम प्रजापत को सदस्य बनाया। इस मौके पर पूर्व तहसील अध्यक्ष जीवाराम घाची, केसर सिंह देवड़ा, डागराली भीम सिंह देवड़ा, डागराली भलाराम चौधरी, जीवाराम सुतार, गणपत सिंह परमार, वागाराम सेन, नारायण लुहार, उक सिंह परमार आदि मौजूद थे। वहीं इकाई अध्यक्ष मालाराम प्रजापत ने कहा कि किसानों के हितों के लिए हमेशा आगे रहूंगा। जब तक देश किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक किसान ऊपर नहीं उठ सकता। किसान देश की शान है, उनकी हर मांग सरकार को पूरी करना चाहिए और आगे जो भी रेवदर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष गणपत सिंह देवड़ा डागराली के साथ मिलकर आगे काम करेंगे, उनका जो आदेश और निर्णय होगा उस हिसाब से नागाणी इकाई काम करेगी। जागरूक टीवी की नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।